स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सेवन वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में प्रश्नावली 6.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वाई बराबर में क्या दिया है जी, लॉग 1 + x - 2x बटा में 2 + x, जहां x क्या कह रहा है, > -1 है, अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। तो प्रांत की बात करें तो प्रांत यही हो जाएगा, x > -1, यानी x का वैल्यू यहाँ -1 से बड़ा जो भी होगा वो टोटल वैल्यूज का समुच्चय ही इसका प्रांत कहलाएगा। तो अपने संपूर्ण प्रांत में ये वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें यह दिखाना है। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एफ एक्स की जगह वाई दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर में, इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं, log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इसको u/v पे करेंगे। तो u/v पे करेंगे तो क्या करेंगे, v का स्क्वायर पहले होगा, यानी हो जाएगा आपका 2 + x का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का 2, इसको वैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस देकर ऊपर वाले को वैसे लिखिए, और इसका डिफरेंशिएशन 1। चलिए आगे देखते हैं, dy/dx बराबर में 1/1 + x माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 + 2x - 2x और बटा में 2 + x² यह कट जाएगा। अब दोनों जगह एलसीएम ले लिया जाए तो यहां से हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे, x 1 + x (2 + x²), इसमें इसे भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर 1 में गुना करेगा तो 2 + x² आ जाएगा, 2 + x² माइनस इसमें इसे भाग करेंगे, यह जाकर 4 में इंटू करेगा, 4 × 1 + x। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं, dy/dx बराबर में, यहाँ देखो a + b² के फॉर्म पे है, तो यह आ जाएगा 4 + 4x + x² और यहाँ -4 - 4x और बटा में आपका जो है 1 + x (2 + x²) यही ना दिया है। यहाँ देखो 4 से 4 कटेगा, इससे यह कट जाएगा, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर में आ जाएगा x² बटा में 1 + x (2 + x²). अच्छा, चूंकि आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ऊपर कि प्रांत जो होगा इसका, प्रांत वह क्या था, तो इसका प्रांत जो होगा आप कह सकते हैं कि प्रांत जो होगा -1 से लेके ∞ तक इस तरह से होगा, यानी ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू ऊपर कह रहा था कि -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यानी 1 + x जो होगा 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 1 + x 0 से बड़ा होगा, यह 0 से बड़ा होगा, और नीचे जो है आपका 2 + x² है, तो यहाँ जाहिर सी बात है यह भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा ना जी, 0 से बड़ा होगा, समझ रहे ना बात को। आप कहोगे कि सर ये 0 के बराबर भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि x का वैल्यू -1 से बड़ा लेना है, लेकिन अगर यहाँ -2 रखेंगे तब ना ये 0 आएगा, तो हमें तो -1 से बड़ा लेना है, तो -2 तो -1 से बड़ा है नहीं, है ना जी, तो इसीलिए यह हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा ऊपर जो है आपका x² है, यह तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, है ना, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यह इसका वैल्यू 0 से बड़ा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर 0 या 0 से बड़ा होगा, और नीचे यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव, तो 0 और बटा में यह दोनों पॉजिटिव, तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अगर मैं इसको x को 0 लेता हूं और नीचे दोनों पॉजिटिव लेता हूं तो 0 हो जाएगा, अगर मैं 0 से, दोनों कंडीशन है ना, 0 से बड़ा लेता हूं तो ये टोटल आपका पॉजिटिव होगा। इससे हमारा यह मतलब निकलता है कि यहाँ dy/dx जो आएगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, है ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फलन जो हमारे पास दिया है y बराबर में log 1 + x - 2x बटा में 2 + x क्या कह सकते हैं,
तो अपने, यहां x क्या कह रहा है, माइनस वन से बड़ा है, अपने संपूर्ण संपूर्ण प्रांत में निरंतर, सॉरी वर्धमान है, सिर्फ वर्धमान है, निरंतर नहीं क्योंकि यहां बराबर भी आ गया, वर्धमान वर्धमान फलन है। ठीक है, यहां से हमने यह दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में क्या दिया है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है जी, एक वर्धमान फलन है। तो पहले से डिफ्रेंसिएट करते हैं, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, पावर पहले नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, यानी कि टू इंटू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू, यह हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो पावर है तो पावर का कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन u इंटू बी पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू में x माइनस टू, प्लस देकर x को वैसे ही रख के और इसका डिफरेंशिएशन इंटू में 1। चलिए 2 इंटू एक्स इंटू में x माइनस टू और फिर यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस टू प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा 2x इंटू में x माइनस टू और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस टू, यहां से 2 कॉमन हो सकता है तो 2 जब 4 हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर 4 इंटू में x इंटू में x माइनस टू इंटू में x माइनस वन, यही ना होगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर dy वाई बाई डी एक्स बराबर में रखेंगे 0, यही ना रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 इंटू एक्स इंटू में एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस वन बराबर में 0, ये चार जाएगा भाग में, बच जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन बराबर में 0। यहाँ से अलग अलग कर लो, एक्स बराबर में 0, एक एक्स माइनस टू बराबर 0 और एक हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वाई की y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, चलिए चिन्ह योजना इसके लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आप ऊपर यहां लिख सकते हैं कि हमारा जो f डैश x आया है ना, वह आया है 4x इंटू में x माइनस टू इंटू में x माइनस वन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे f डैश x की चिन्ह dy बाई डी एक्स, अरे f डैश x लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो एक ही बात है, आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, आप इसे dy बाई डी एक्स लिखो क्योंकि y माना हुआ है फंक्शन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इना है हमारा dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी चिन्ह योजना को यहाँ समझते हैं, या आप संख्या रेखा यहाँ पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, यहाँ एक्स माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए तीन वैल्यूज है, एक तो जीरो है, दूसरा वन है और फिर टू है। अच्छा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में चलते हैं, इधर इधर माइनस वन ले सकते हैं, तो माइनस वन लेने से यह देखो यह माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का होगा और यह भी माइनस का, तीनों माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा ना जी। चलिए यह निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से जीरो से वन के बीच चलते हैं, तो जीरो से वन के बीच में कोई भी आप लेके चलोगे देखो क्या आएगा, इधर इसके बीच में 1 बाई टू है तो ये पॉजिटिव, 1 बाई टू रखेंगे ये निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में चलते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी रखते हैं, 1 से 2 के बीच में 3 बाई टू ले लेते हैं, 3 बाई टू तो ये पॉजिटिव होगा, 3 बाई टू तो ये पॉजिटिव, 3 बाई टू लेंगे तो यह आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव ही आएगा। इसके बीच में चलते हैं 2 से इन्फिनिटी, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी प्लस में ही आएगा। तो हमें क्या देते हैं, वर्धमान फलन बताना था ना जी, वर्धमान किस पर है, आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना जी वर्धमान फलन है किस मान पे, यहाँ कह सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल, अंतराल ऐसे लिख सकते हैं, किसमें किसमें, जीरो से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लाई करता है जीरो से वन के बीच और एक्स जो है जी दो से बड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, में
एफ डैश एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से बड़ा है इसलिए एफ फंक्शन वाई जो दिया है इसलिए वाई अंतराल अंतराल किसमें या लिख दो या ये लिख दो, जीरो से वन और एक्स इज ग्रेटर देन टू में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, यही हमें दिखाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि यहां दिया है 0 टू पाई बाई 2 में y बराबर 4 साइन थीटा बटा में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा में एक वर्धमान फलन है। चलिए इसे देखते हैं, दिया है y बराबर में 4 साइन थीटा और थीटा किसके बीच में लाई करता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, चलिए 2 प्लस कॉस थीटा माइनस में थीटा, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से डी वाई बटा में डी थीटा होगा, यही ना होगा जी। चलिए देखते हैं, तो ये वाला यू बाई बी पे करेंगे और इसका तो 1 हो जाएगा, इसको 1 पहले ही लिख देते हैं, इसको करते हैं 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें इससे भाग करेंगे, सॉरी 2 है ना, सॉरी सॉरी मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा था, मैं एलसीएम लेने चला गया था। चलिए यू बाई बी पे करें तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बी का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो 4 साइन है तो कॉस हो जाएगा इनटू में, इसको वैसे ही रखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा को वैसे ही रखकर और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 और कॉस का माइनस का साइन, समझ गए ना। चलिए देखते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटा में डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 1 है। चलिए समझते हैं आगे, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में 8 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कॉमन करोगे ना तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सिंपली आप 4 लिख सकते हो क्योंकि इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में एलसीएम क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस में 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो तो आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में जो है वो रहने दो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर में हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस में 4 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 कॉस थीटा और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का पावर होल स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर देखो 8 में से 4 गया 4, 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, ऊपर कुछ कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, डी वाई बटा डी थीटा बराबर में यहाँ कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो 4 माइनस कॉस थीटा और बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, और चूंकि आपके पास ऊपर जो दिया हुआ है वहां कह रहा है कि ये जो थीटा होगा ना, आपको पता है ऊपर ऊपर दिया है ना इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, बंद अंतराल है इसलिए 0 टू पाई बाई 2 तक लाई करेगा आपका, 0 से पाई बाई 2 तक के बीच में या उसके बराबर भी हो सकता है थीटा, तो आपको पता है यह इसके बराबर इससे इसके बीच में लाई करेगा तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 टू 1 तक के बराबर में हो सकता है, यानी यह पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा,
कॉस थीटा जब 0 से 1 तक के बीच में लाई करेगा तो 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा, बड़ा होगा ना जी, यानी ये पॉजिटिव होगा। और नीचे होल स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है, और कॉस थीटा का वैल्यू माइनस आपको पता है यहाँ 0 से 1 तक ही लाई करेगा, तो यहाँ कुछ भी रखेंगे इससे इसके बीच तक तो ये हमेशा स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, यह भी 0 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि डी वाई बटा में डी थीटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पे 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के बराबर होगा तो तब तो टोटल 0 ना हो जाएगा, ये सारे पॉजिटिव ही हो तो क्या ना हो, ये अगर 0 होता है तो या 0 के बराबर, या अगर 0 के बराबर ले लेते हैं cos थीटा 0 के बराबर हो सकता है ना तो टोटल 0 हो जाएगा, अगर 0 नहीं लेते हैं तो उसके सिवा कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो dy / d थीटा का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका फलन जो है y बराबर में क्या था जी, y बराबर में 2 cos थीटा, ये ना था, एक मिनट देख लेता हूं मैं, 4 sin थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, 4 sin थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, क्या कह सकते हैं किसमें वर्तमान है जी, अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसे, समझ गए ना। चलिए यहां पे देखते हैं, सिद्ध कीजिए अगला क्वेश्चन में कि लघुगणकीय फलन अंतराल ओपन इंटरवल है 0 टू इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए देखते हैं, माना एफ एक्स बराबर में लॉग एक्स एक लघुगणकीय फलन है और यहां एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, ये आपको पता ही है और इसके ये सब कुछ जानते ही। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए एफ फंक्शन एफ अंतराल 0 टू इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में एफ एक्स बराबर में दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, इस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यह दिखाना है, तो पहले मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x - 1 आ जाएगा, 2x - 1 आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका 2x - 1 आ जाएगा। अब देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर में 0 करो, 2x - 1 बराबर में 0, यानी 2x - 1 x बराबर में 1/2। अब लिखते हैं एफ डैश एक्स के लिए चिन्ह योजना, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लेता हूँ, आपको वो इंटरवल मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना जी, यहाँ देख लो माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका इन्फिनिटी 1/2। अब चलो 1/2 से छोटा 0 ले सकते हैं, 0 अगर रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और इसके बीच में आप कुछ भी रखो 1 रखो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप कंडीशन, यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल, पहला कंडीशन ही ना दिख रहा है, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 1/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है, इसलिए और तथा एक ही बार लिख देता हूँ, अंतराल 1/2 से इन्फिनिटी में
एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए फंक्शन जो एफ है माइनस इन्फिनिटी माइनस वन टू वन में ना, तो क्योंकि इसमें ये डिक्रीजिंग इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसलिए इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फलन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान है। चलिए देखते हैं, पहला ए नंबर देख लेते हैं, ए नंबर को यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं, माना इसको फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स, कॉस का माइनस का साइन एक्स। तो देख लो यहाँ पे अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं 0 से पाई बाई 2 में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस साइन तो निगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स यानी कि कॉस एक्स, एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान है। चलिए अगला देखते हैं, इसका बी नंबर इसी तरह का है, चलिए बी नंबर देखते हैं, ठीक है बी नंबर, इसे मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर में कॉस 2x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस का साइन और 2x का 2, ठीक है। अब देखो चूंकि आपके पास अंतराल दिया है 0 टू पाई बाई 2, तो ये किसके लिए दिया है, x के लिए दिया है, तो अगर मैं 2x की यहां बात करूंगा तो 2 से इसमें गुना कर दूंगा तो हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 2x इज लेस देन 2x और 2x इज लेस देन पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 0 से, है ना जी, यहाँ आपका यह सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आपको पता है 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों को इंक्लूड कर लिया, इसमें फर्स्ट और सेकंड को दोनों को इंक्लूड कर, तो यहाँ पे आपको पता है कि चूंकि आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा, क्योंकि देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, ये साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होता ही है दोनों में, है ना जी, तो ये बाहर माइनस तो निगेटिव हो जाएगा यानी 0 से छोटा होगा, इसलिए कॉस टू एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है, निरंतर ह्रासमान है, समझ गए, मतलब ए में भी ह्रासमान हो गया, बी में भी ह्रासमान हो गया, आगे चेक करते हैं। चलिए अगला देखते हैं सी नंबर में, यहां पर इसे भी मैं मान लेता हूं, माना एफ एक्स बराबर में कॉस 3x, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस का माइनस साइन और 3x का 3 यहां लग जाएगा, ठीक है, आपके पास दिया है कि x जो है ना 0 से पाई बाई 2 में हमें देखना था, लेकिन यहाँ 3x है यानी यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा 3 पाई बाई 2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा, यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ जो आपका साइन 3x जो है ना यह थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से छोटा होता है, तो माइनस का 3 साइन 3x की बात करेंगे तो यह तो 0 से बड़ा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइन है और साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और यहाँ माइनस होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई बाई 2 में
एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से ग्रेटर है, इसलिए अंतराल अंतराल जीरो से पाई बाई टू में एफ एक्स यानी कि क्या आपका जो क्या है कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स जो है वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान वर्धमान फलन है। अच्छा निरंतर वर्धमान फलन है। अगला डी नंबर बच गया, उसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि यह ह्रासमान फलन नहीं हुआ। ये ए और बी हो गया, डी को चेक करते हैं। तो डी तो सिंपल है, आप भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर में टेन एक्स, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका टेन का सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स अगर जीरो से पाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वार्टर में बात करते हैं तो पॉजिटिव ही होगा। तो लिख सकते हैं कि अंतराल जीरो टू पाई बाई टू में, पाई बाई टू में क्या हो जा रहा है एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, इसलिए इसलिए एफ फंक्शन एफ या फिर लिख सकते हैं टेन एक्स, टेन एक्स जो है जीरो से पाई बाई टू में वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन हो रहा है, ह्रासमान फलन नहीं हो रहा है, यानी यह भी नहीं है। तो ए और बी यह दोनों निरंतर वर्धमान है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से इससे संबंधित नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।